अबे यार रख फोन, तू यार दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। हट फोन रख। क्या हो गया छोटी, इतना क्या इरिटेट हो रहा है? कुछ नहीं यार, मेरा एक फ्रेंड है, अपने लव स्टोरी के बारे में सुना रहे हैं। बोल रहा है मेरे घर वाले राजी नहीं होंगे, उसके घर वाले राजी नहीं होंगे, कोई भाग जाता, कोई ये कर लेता, कोई वो कर लेता, पूरा दिमाग खराब हो गया मेरा, पक चुका हूँ यार। अबे हाँ, तू तो स्टोरी बहुत अच्छा लिखता है और तू डायरेक्टर भी है, तो तेरे पास कोई अच्छा लव स्टोरी है तो जरा सुना ना मुझे। लव स्टोरी? हाँ है मेरे पास, एक सस्पेंस और थ्रिलिंग लव स्टोरी, सुनेगा? हाँ सुनूंगा। अच्छा तो सुन, सीन ओपन करते ही रेलवे स्टेशन। अबे वो लड़की को तो देख पे कितनी भारी है। किधर बे? अबे उधर देख। माँ कसम, क्या आइटम है बे। जिंदगी में जिस पल का इंतजार कर रहा हूँ वो पल अब मेरे सामने है, अगर अब मैं इस पल को मिस किया तो मेरे लाइफ का कोई वजह नहीं बचेगा। अबे तो क्या है ये, स्टार्टिंग में किसी ने बता दिया, मैंने कुछ समझा नहीं। अबे तेरे को समझने के लिए पूरा स्टोरी सुनना पड़ेगा। अबे तू जल्दी बता ना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सुनने के लिए। हाँ तो सुन। हेलो। हाँ हेलो, अरे मैं वृंदावन में हूँ, फ्रेंड्स के साथ आया हूँ। वन ऑफ द प्योर वेज रेस्टोरेंट है नाके पे, वहाँ पे देख अपन खाना खाए थे और मंच किए थे, उससे अच्छा यहाँ पे मंच मिलता है, बहुत टेस्टी है, यहाँ पे लेके आता हूँ एक दिन तुझे। चुप किया साला, दिन भर लड़कियाँ पीछे पड़ा रहता है। अच्छा एक मिनट, अबे चूती है, तू लड़की को मैनेज नहीं कर पाता है तो जिंदगी का घंटा मैनेज कर पाएगा? हाँ भाई, बस तू लॉ गुरु है बस। भाभी का कॉल आया, रुक जा। अनन सुनना, अनन सुनना, अनन तेरे 10-10 लड़की को लेके घूमता है तो एक भी लड़की को पटा नहीं पाता है, तो उसको सामने से प्रपोज भी आता है और तो उसको भी रिजेक्ट कर देता है। शिट। अबे तुझे तो पता है ना मेरे लाइफ में एक एम है, अगर लड़की फर्स्ट लुक में पसंद आ गई, रोही लड़की मुझे कॉन्स्टेंटली 5 बार दिखी तो उसी को मैं अपना लाइफ पार्टनर बनाऊंगा। हाँ बाबा, लव स्टोरी तो एक्सप्रेस है, तुझे क्या लगता है लव एक्सप्रेस होगा? होगा, जरूर होगा, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ, किसी ही पल हो सकता है। भाई वो पल आ गया। Hey, I love you, but not it. What? I love you, but not it. What? Are you gone mad? एक तो directly propose करते हो, ऊपर से not yet. What do you mean? See dear, I have one in my life. अगर कोई लड़की मुझे दिल से पसंद आ गई तो उसको मैं directly propose करूँगा, और लड़की तुम हो। अच्छा, तो ये not yet क्या है? सुनो, ये अपना first meet हुआ, अगर coincidentally तुम मुझे इसी तरह 4 बार दिखोगे, then I will propose you with a kiss. Are you really crazy? अगर मेरा प्यार सच है तो दिखोगे, so दिखना मत, be aware. देखते हैं। श्री शैलपुर निवास पूर्वा
संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ भ्रामरी नाथ कर्तव्यं दैवमानिकम्। भगवान, जिंदगी में बिना कुछ मांगे सब कुछ दे दिया आपने, पर मेरे और एक विनती है, कल जो लड़की मुझे मिली थी उस लड़की से फिर मिला दो प्लीज भगवान। तुम यहाँ कैसे? आप भगवान से मन्नत मांगे, हम हाजिर हो गए। मैंने कब मन्नत मांगा? वो आप भगवान से पूछ लो। बदतमीजी मत करो, दफा हो जाए यहाँ से। मैं यहाँ दफा होने नहीं, आपके दिल में बसने आया हूँ। ये सब ट्रिक्स मेरे सामने ट्राई मत करना, फिल्मों में अच्छे लगते हैं, हकीकत में नहीं। अच्छा देखते अगले दिन मुलाकात में पता चल जाएगा क्या हकीकत में अच्छा लगता है या नहीं। देखते हैं। अरे सुनो ना, जाते आते आपका नाम तो बताओ। गट्टी हनको तेलसपुद्दे। What? आज के मैच सिर्फ तेरे वजह से हार गए। अगर उस टाइम तू गोल कर दिया होता ना तो पूरा मैच अपने हाथ में होता। शिट। जान, तू यहाँ क्या कर रही है? वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं, प्लीज बचा लो। छोड़ दो अब। ए जान, मान लिए फिर नहीं छेड़ेंगे। साला ज्यादा हीरोगिरी करता है। आर यू ओके? अब ठीक तो? भाई की नजर ऑलरेडी लड़की पे पड़ी है, तू साइड हो जा। जा ले क्या? इनको अच्छे से समझाओ तो समझने के रेडी नहीं है। उनको ना गांधी जी का रास्ता नहीं मेरा रास्ता दिखाना पड़ेगा। Thank you.
किसी लड़की को छेड़ा ना तो देख लेना। सॉरी। अब ये कहाँ गई जान? जान जान किधर किधर घुमा रहा है तू? एक मिनट रुक, देख मैं चेक कर रहा हूँ। ये बैग दे। आपका घर है? हाँ। एक्चुअली बच्चा नीचे गिर गया था तो इसको घर छोड़ने आया हूँ। अच्छा चल ठीक, ये अंदर। मैं तुझे बैठने बोली थी क्या? जो भी हाथ में मोबाइल है वो सब बाजू में रख पहले। अच्छा सुन नजदीका, हाँ तुझे इधर माथा नजदीका और कमर पे हाथ रख, नजदीका कमर पे हाथ रख। पागल हो क्या? मेंटल अक्कल नहीं है क्या? कोई लड़की के साथ ऐसे बिहेव करता है क्या? इडियट। तुमने तो बोला था कमर पे हाथ रखने को। अरे मेंटल, मैं फोन में बात कर रही हूँ। मुझे लगा मुझे बोल रहे थे। अच्छा चल निकल यहाँ से। तुम्हारा घर है? ये मेरी फ्रेंड का घर है, तो ज्यादा होशियारी मत कर, निकल यहाँ। ओके चल, कहाँ रहती हो तो बताओ। मैं यहाँ पे नहीं रहने वाली हूँ, अपने गाँव जा रही हूँ में, सो डोंट एक्ट, जस्ट गो अवे। ये अपना फोर्थ मुलाकात है, और एक बार देखी तो तुम मेरे लाइफ पार्टनर बन। अच्छा देख, मैं तुझे पहले ही बोला था अगर मुझे कॉन्शियसली 5 बार दिखी तो मैं तुझे किस करके प्रपोज करूंगा, और मेरा प्यार सच है इसलिए मुझे दिखी। आई लव यू। तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे कॉन्शियसली मिली? तुझे मिलने के लिए चाहे, इसके लिए मैं मिली। फर्स्ट टाइम जब मैं तुझे कॉलेज में देखी थी, तेरे बारे में पता करने के लिए तेरे फ्रेंड से भी मिली। तेरा एम क्या है, तेरा डेजिग्नेशन क्या है, सब पता किया। उस दिन रेस्टोरेंट में और वो मंदिर में भी मैं ही आई थी, और वो बच्चे को भी मैंने ही भेजा था। और वो फाइट? नहीं, वो तो कोइंसिडेंटली हो गया। आयो, मेरे को लगा कि मेरा लव एक्सप्रेस है, लेकिन इधर तो उल्टा ही हो गया।
भाई तूने क्या स्टोरी सुनाया मुझे, मुझे बहुत पसंद आया। क्यों ना तू इस स्टोरी पे कोई मूवी बना दे। जरूर बनाऊंगा।